दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। मैं अगर बात करूं घर की कंस्ट्रक्शन हम सालों से कर रहे हैं और वही सेम तरीके से कर रहे हैं। जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो हम प्लास्टर वर्क करते हैं वही सेम तरीके से करते हैं प्लास्टर, और होता क्या उससे हमारी दीवार पे छोटे छोटे क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, पपड़ी बनके जो प्लास्टर होता है वो निकलने लग पड़ता है। आज की वीडियो कंप्लीट देख लो, आपको इसका भी सलूशन मिल जाएगा और इसके बाद आपके घर में ना क्रैक्स आएंगे ना पपड़ी बनके निकलेगा और जल्दी से जल्दी काम होगा। आपने देखा होगा जो भी हमारा ठेकेदार रहता है, जहां मिस्त्री रहेगा, जो मोटार बनाता है, वो जो मसाला बनाता है, वो हमेशा क्या होता है, सूखा सूखा सा रहता है। और वो सूखा सा मसाला जब मिस्त्री दीवार पे लगाने चलता है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग पड़ता है, और जो नीचे मसाला गिरा होता है उसके लिए एक्स्ट्रा एक लेबर चाहिए होती है, वो मसाला इकट्ठा करती रहती है और साथ ही साथ उस मसाले में पानी डालती रहती है। लेबर का खर्चा भी एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ जब हम पानी डाल देते हैं मोटार में बार बार, उसकी क्वालिटी भी खराब होती है और उस प्लास्टर में गारंटी है क्रैक्स आने आने और लाइफ कम होगी, ना अच्छे से फिनिशिंग हो पाती है, बहुत दिक्कत रहती है। तो ऐसा प्लास्टर आप अपने घर में करवाओगे तो वहां क्रैक और पपड़ी रहेगी रहेगी। अब सब सोच रहे होंगे कि इसका सलूशन क्या है। इसका एक ही सलूशन है, वो काफी लोगों को नहीं पता होगा और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर केमिकल आता है, और अगर ये केमिकल हम यूज करते हैं, जो भी दिक्कत मैंने बताई आपको प्लास्टर में आती है, क्रैक्स आते हैं, पपड़ी बनती है जहां मसाला सूखा सूखा रहता है, तो ये उसका एक ही सलूशन है। अगर इसको हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा मोटार होता है, समझो क्या है, जो हमारा मसाला होता है ना, उसमें ना लचीलापन आ जाता है, मतलब बॉन्ड सी बन जाती है। जब आप वो उसको प्लास्टर को दीवार पर लगाओगे वो बहुत आराम से चिपकता है, और जो मिस्त्री होता है वो आपका बहुत जल्दी काम खत्म करके दे देगा, क्योंकि वो बहुत इजी से चिपक जाएगा, फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगी। और अगर हम बात करें, जब हम प्लास्टर मास्टर किसी मोटार में डालते हैं, मसाले में डालते हैं, हमें क्या होता था पहले कि थोड़ा सा मसाला बनाया, उसको लगाया, फिर दूसरा बनाया, क्योंकि एक साथ मसाला बनाने में होता क्या, मसाला सूख जाता है और सही से चिपकता नहीं है, तो एक एक बोरी का बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आप एक साथ काफी ज्यादा मसाला बना सकते हो, जो दो तीन बार मसाला बनाने के लिए लेबर लगनी थी वो लेबर भी हमारी बच गई, हमारा टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो ये प्लास्टर मास्टर आपको हेल्प करता है। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, जब हम प्लास्टर मास्टर किसी मसाले में डालते हैं ना, जो हमारी फिनिशिंग होती है दीवार की वो बहुत सॉफ्ट सी रहती है। आपने देखा होगा कभी भी कोई मिस्त्री प्लास्टर करता है बिना प्लास्टर मास्टर डाले, वो सूखा सा रहेगा, रूखा रूखा रहेगा, और थोड़े थोड़े दाने उसमें से गिरते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लास्टर मास्टर क्या करता है, लचीलापन ले आता है मोटार में। उससे होता क्या है, हमारा जो प्लास्टर होता है वर्केबल हो जाता है, नहीं तो मिस्त्री के कंधे तक दुख जाते हैं कि वो मसाला लगाते जा रहा है, फिनिशिंग करते जा रहा है, हो रही नहीं है और पपड़ी बनके नीचे गिर रहा है। लेकिन इसको डालने से मसाले की वर्केबिलिटी भी होती है और आपके दीवार पे क्रैक्स भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। आपके दीवार पे जो हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि इस डॉक्टर फिक्सिट के प्लास्टर मास्टर को मिक्स कैसे कर रहे हैं। सिंपल, जैसे आप मसाला बनाते आ रहे हो, आपको करना क्या है, जैसे आप मसाला बना रहे हो, आपने सीमेंट और सैंड को मिक्स कर लिया, जब आपने एक बैग सीमेंट अगर मसाले में डाला है तो 200 ml प्लास्टर मास्टर आपको डालना है, ना कुछ ज्यादा ना कम, 200 ml प्लास्टर मास्टर डालो। अगर दो बोरी का माल बना रहे हो तो आपको 400 ml डालना है, तीन बोरी का बना रहे हो तो आपको 600 ml प्लास्टर मास्टर उसमें मिक्स कर देना। और देखो मिक्स कैसे करना है, जैसे हमने सैंड और रेती को मिक्स कर लिया, उसके बाद जो पानी हमने उसमें डालना है उसमें हमें इस केमिकल को 200 ml मेजर करके, कोई एक कप रख लो या कोई मग्गा रख लो, उससे 200 ml मेजर करके इसको आपको पानी में मिक्स करना है, और वो पानी आपको मोटार में डाल के फिर मोटार को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद जब आप इसको दीवार पे लगाओगे तो आपकी दीवार पे जो प्लास्टर गिरता है, मतलब लगाते लगाते मसाला नीचे गिरता है, वो गिरना कम हो जाएगा, आपका जो क्रैक्स आते हैं छोटे छोटे दीवार पे वो क्रैक्स आने कम हो जाएंगे, और आपका जो मिस्त्री होगा वो बहुत स्पीड से काम करेगा, और जो एक्स्ट्रा लेबर हमारी लगती है नीचे मसाला उठाने के लिए वो भी हमें जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो ये होता है, जो हम पुराने तरीके से प्लास्टर करते आ रहे हैं तो हमारे घर में क्रैक्स और पपड़ी बनना और टाइम लगना तो होगा ही होगा, लेकिन जब हम डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर यूज करते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा रिजल्ट मिला है। क्योंकि मोस्टली अभी हम अपनी साइड्स पे क्या कर रहे हैं, लेबर बचाने के लिए ये प्लास्टर मास्टर यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए भी ये वीडियो ले आऊं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए अच्छी फिनिशिंग और जल्दी से जल्दी काम कैसा हो जाए। अगर आप भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और चाहते हो कि थोड़ा पैसा भी बच जाए
और साथ ही साथ दीवार में कोई छोटे मोटे क्रैक्स भी नहीं रहे, लेबर भी जल्दी से काम कर ले और अच्छी से भी फिनिशिंग हो जाए, तो आपका एक ही चीज हेल्प करेगा, वो है डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर। तो मेरे ख्याल में आपको ले लेना चाहिए, ना कुछ ज्यादा कॉस्टली है, अपने घर में लगाओगे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी दीवारें सुरक्षित भी हो जाएंगी। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा के रखना।